अलिफ। अब हमने बच्चे को अलिफ, बे का खानदान, रे का खानदान ये सिखा दिया, जीम का खानदान भी सिखा दिया। अब हम जब सीन पे आएंगे तो हम पहले उसको नून इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नून, छोटा सा अलिफ बनाया और एक छोटी सी ये लाइन बनाई। हमने बे में क्या किया था, छोटा सा अलिफ बना के और ये वाली लाइन हमने लंबी बनाई थी, फिर हमने नून निकाली थी। लेकिन हमने नून में क्या करना है, ये वाली छोटी सी लाइन बनाई अलिफ की तरह और ये वाली बीच वाली लाइन हमने छोटी बनाई और फिर हमने नून निकाली और उसका कहाँ लगा दिया, ऊपर। ये बन गया नून। और बे में नुकता कहाँ लगता है, नीचे। बे से बिल्ली, नून से नारियल। तो ये हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बच्चों को समझाएंगे कि नून हमने किस तरह से बना। जब बच्चे को नून बनाना आ गया, यानी कि सीन का जो ये बड़ा वाला हिस्सा होता है ये बच्चे को बनाना आ गया। अब हमने ये छोटे छोटे दो शोशे बच्चे को बनाना सिखाने। कैसे, हमने छोटा सा दे की तरह बनाया, छोटी सी डंडी बनाई, यूं घुमाई, ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए और ये बड़ा सा हमने नून बना दिया। ये क्या बन गया, सीन। सीन से सेब, सीन से सब्जी। अब इस सीन के ऊपर सेम एग्जैक्टली इस तरह हमने सीन बनाया, छोटा सा अलग बना के फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए और फिर ऊपर जाके हमने नून बना दिया बड़ा सा। लेकिन नून में नुकता लगता है, अब सीन में नुकता नहीं लगेगा, कोई भी नुकता नहीं लगेगा। लेकिन अब किसकी बारी है, शीन की। शीन में क्या हो जाएगा, जब हम इसके ऊपर सीन के ऊपर एक दो तीन तीन नुकते डाल देंगे तो बन जाएगा शीन। शीन से शेर, बब्बर शेर। इस तरह हम बच्चे को सिखाएंगे, बनाने सिखाएंगे। अच्छा, स्वाद से पहले हम बच्चे को डंडी वाला काव सिखाएंगे। डंडी वाला काव भी बे की तरह ही बनता है। हमने छोटा सा अलिफ बनाया, ये बीच वाली लाइन लंबी की और एक छोटी सी नोक इन दोनों के बराबर निकाल दी और नुक्ता डालने के बजाय, बे में हम नुक्ता डालेंगे लेकिन काफ में हम नुक्ते के बजाय हम क्या करेंगे, टेढ़ी डंडी ड्रॉ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, काफ, काफ से कबूतर। और अगर हमने सेम एग्जैक्टली इसी तरह से बे बना के नुक्ते के बजाय हमने एक डंडी लगाई और फिर दूसरी डंडी लगा दी तो बन गया गाव, गाव से गुड़िया।